हेलो एवरीवन, कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि असम में 3 मेडिकल कॉलेज इस बार आ सकता है, तो फाइनली क्या हुआ कि जो असम में जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो इस साल ओपन, मतलब इस साल MBBS सीट्स ऐड होगा, उसका है, उसका नाम है कोकराझार मेडिकल कॉलेज। तो अभी आज क्या हुआ कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है, जो श्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखा है कि वी हैव अचीव्ड अनदर माइलस्टोन। Happy to share that Kokrajhar Medical College has received the approval of NMC for 100 MBBS seats. This will take our total MBBS seats to 1300, a marked improvement from 726 in 2017. तो क्या हुआ कि फाइनली NMC ने जो इस बार जो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है, मतलब कोकराझार इस बार जो 3 मेडिकल कॉलेज आ सकता है, उनमें से जो पहला मेडिकल कॉलेज जिसको NMC ने नॉट किया है 100 MBBS seats के लिए है, उसको परमिशन दे दिया गया, मतलब उसको लेटर ऑफ परमिशन दे दिया गया है। तो वो श्योरली इस बार जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें 85% स्टेट कोटा होगा और 15% ऑल इंडिया सीट्स होगा। तो जो बाकी दो मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि नलबाड़ी एंड नोआगांव मेडिकल कॉलेज, इनमें से नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज ऐड हो सकता है, मतलब इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि जो CM है उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने इंस्पेक्शन किया था जो नलबाड़ी एंड कोकराझार मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि इस बार अक्टूबर में नलबाड़ी एंड कोकराझार मेडिकल कॉलेज दोनों का क्या हुआ कि ओपनिंग होगा, मतलब इस बार एटलीस्ट तो दो आ सकता है, श्योरली आ सकता है, जैसे कि नलबाड़ी आएगा और कोकराझार तो अभी आ गया, नोआगांव का मतलब अभी चांसेस इस साल थोड़ा कम है, आ सकता है लेकिन उतना श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इंस्पेक्ट करके देखा कि अभी बहुत काम बाकी है नलबाड़ी और नोआगांव मेडिकल कॉलेज में। तो अभी देखा जाएगा क्या होगा कि NMC अपने जो मेंबर्स हैं, अपने टीम मेंबर्स को वो सेंड करेंगे इंस्पेक्शन के लिए, अगर उन लोगों को मतलब लगा है कि जो कॉलेजेस है वो परफेक्ट है इस साल एडमिशन्स के लिए, तो जो लेटर ऑफ परमिशन है या फिर MBBS सीट्स के लिए वो नॉट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर ऑफ इंटेंट फॉर 100 MBBS सीट्स। तो क्या हो कि फाइनली असम में जो मेडिकल सीट्स है, जो पिछले बार 1200 था, इस साल 1300 हो गया है और 2017 में 726 था। तो ये मेजर एक इम्प्रूवमेंट है असम का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि असम में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से ग्रो करे, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए वो हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। अगले साल भी और भी मेडिकल कॉलेजेस आएगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में है। अभी जो नीट का एग्ज़ाम है वो 7 मई में, आप लोगों को अभी ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए कि अभी सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन से ज़्यादा फोकस करें। टेस्ट तो आप दे रहे होंगे वीकली, मतलब हर हफ्ते में 2 टेस्ट या फिर 1 टेस्ट दीजिए और सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 2 महीने में सिर्फ रिवाइज करिए। टेस्ट देंगे लेकिन टेस्ट उतना ज़्यादा, मतलब अभी ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट तो अभी मतलब आप हफ्ते में 1 ही दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि लास्ट की 1 मंथ में आपको सिर्फ फुल टेस्ट ही देना चाहिए। और एक और चीज़, जो असम में जो इस साल जो मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ, इससे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर 2 मेडिकल कॉलेज ऐड हो गया है तो असम में जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा राइज नहीं करेगा, और कट ऑफ तो कम नहीं होगा, मुझे लग रहा है तो कम नहीं होगा, एटलीस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर इंक्रीज़ होता है तो 1 और 2 मार्क ही इंक्रीज़ होगा। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इम्पैक्ट ऑफ कट ऑफ हो सकता है कि अगर इन 3 मेडिकल कॉलेज ऐड हो गए तो कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा श्योरली। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। अभी आपको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने अपने ऊपर विश्वास रखिए, कि अपने कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, और मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं या फिर आपका लॉ स्कोर आ रहा है उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको ध्यान से सिर्फ खुद को मोटिवेट रखना है कि मुझे इस साल करना ही होगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। मुझे इस इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।